कुछ खास नहीं बेटा, बस एक जोड़ी झुमके पसंद आ गए थे तो मैंने सोचा प्रिया के लिए ले चलो। वैसे ही लाई हूँ जैसे तेरे पिछली बार लेके आई थी मैं। अच्छा दिखा तो दो। हाँ हाँ दिखा रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। वैसे नहीं है जैसे मेरे हैं, इनके डिजाइन ज्यादा सुंदर है। तुझे पसंद है तो तू रख ले, मैं उसके लिए फिर मंगा लूंगी। वहां तो किसी ना किसी का चक्कर लगा रहता है। वो तेरी सीमा आंटी है ना, अगले महीने फिर जाएंगी, उन्हीं से मंगा लूंगी। तू खुश रहे। ठीक है। बढ़िया इन बेटे को झुमके देने वाली। मम्मी जी आप कहीं जा रहे हो? हाँ बेटा, अगले हफ्ते वो प्रिया आने वाली है। मैं सोच रही थी तेरी सीमा आंटी के साथ जाकर उसके लिए दो चार सूट ले आऊं। अब वो एक रात ही रुकेगी, बाजार जाने का टाइम मिलेगा नहीं। सोच रही हूँ मैं ही खुद लेके रख दूँ उसके लिए। तू चले तो तू चल साथ में, तू भी देख लेना अपने लिए। नहीं मैं तो नहीं जा रही, अभी तो मेरे पास बहुत सारे सूट रखे हैं जो मैंने पहने भी नहीं है। ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। करी आई मम्मी शॉपिंग? हाँ बेटा, देख तो कैसे हैं सूट ये। बहुत सुंदर है मम्मी ये तो। ये ब्लैक सूट तो बहुत सुंदर लगेगा। अच्छा है ना, तुझे पसंद आ गया तो उसे भी पसंद आ जाएगा। मम्मी जी आपको बुरा ना लगे तो ये सूट मैं रख लूं? लेकिन बेटा तूने तो मना कर दिया था सूट लेने से। तू ही कह रही थी ना कि अभी बहुत सारे सूट रखे हैं जो तूने पहने भी नहीं है, पहले उन्हें पहन ले, नहीं तो रखे रखे फैशन आउट हो जाएगा उनका। और अब तो हर चौथे महीने फैशन बदलता रहता है। मैं तेरे लिए बाद में नए फैशन का सूट ले आऊंगी, ठीक है? मम्मी जी ये सूट तो मुझे पसंद आ गया है, मैं अपने सूटों में से दे दूंगी दीदी को, वो उनमें से ले लेंगी, इसे तो मैं ही लूंगी। चल अच्छा तू रख ले। थैंक यू मम्मी। कुछ बहुएं अपनी सास को केवल सास की निगाह से देखती हैं, वो ये भूल जाती हैं कि वो भी किसी की माँ है।